हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने 9th क्लास की नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.1 की थी। आज हमें इरेशन नंबर पर बेस्ड एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें रिकॉल कराना चाहूंगा कि व्हाट इज इरेशन नंबर और व्हाट इज रियल नंबर। पहले रैशनल नंबर, रैशनल ऐसे नंबर जो पी बटे क्यू के रूप में लिखा जाए और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, वे हैं पी एंड क्यू आर, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। ये तो हमारा रैशनल नंबर हो गया। इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर की नोटेशन थी क्यू, इरेशनल की नोटेशन है आई। इरेशन नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जिनका वर्गमूल कंप्लीट ना निकले। एग्जाम्पल के तौर पे वर्गमूल 2, 3, 5, 7, पाई, ये जो है सारे के सारे क्या है हमारे इरेशनल नंबर। उसके बाद आता है हमारा रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? रैशनल, रैशनल इज डिनोटेड बाय क्यू प्लस आई, आई का मतलब इरेशनल। रैशनल और इरेशनल दोनों ही नंबर मिलकर क्या बनाते हैं? रियल नंबर। तो इसका मतलब यही हुआ, ये स्क्वेयर रूट वाले भी और पी बटे क्यू वाले भी, और पी बटे क्यू में इंटीजर आ गए वो भी, सारे के सारे क्या होते हैं? रियल नंबर। ए रियल लाइन इज का ए रियल लाइन एंड इट्स ऑल पॉइंट। इफ वी आर गिवन टू ए रियल लाइन देन इट्स ऑल पॉइंट इज कॉल्ड रियल नंबर, इज कॉल्ड रियल नंबर, रियल नंबर कहते हैं। अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज 1.2। फर्स्ट क्वेश्चन, हमें ट्रू और फॉल्स बताना है और फॉल्स क्यों है उसका हमें रीजन देना है। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। क्या प्रत्येक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है? अभी मैंने तुम्हें डेफिनेशन बताई थी कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर क्या होता है? क्यू प्लस आई, रैशनल प्लस इरेशनल। तो इसका मतलब एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो देखो ये प्रत्येक इसके अंदर है, तो इसका मतलब एवरी रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो क्या लिखेंगे? ट्रू, ये ट्रू हो गया। सेकंड, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म दिस, एम का स्क्वेयर रूट टाइप में, वे हैर एम इज ए नेचुरल नंबर। इसने कहा है कि किसी भी लाइन के ऊपर प्रत्येक पॉइंट जो होता है उसकी फॉर्म ये होती है। कहने का मतलब है कि उसका रूप ऐसे होता है। क्या यह बात ट्रू है? क्या यह ट्रू है? फॉल्स है ये? क्या है ये? फॉल्स। रीजन दे दीजिए, रीजन दे दीजिए। 4 का रूट कितना होगा? ये 2।
ये आ गया, ये इस जैसी फॉर्म में नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट इसका, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या प्रत्येक रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है? इधर देखिए, रियल नंबर तो हमारा रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। इसने यहाँ पर क्या कहा, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल, इसका मतलब इसने झूठ बोल दिया, तो ये क्या होगा, फॉल्स। क्या होगा? फॉल्स। रीजन क्या होगा? ऑल रैशनल नंबर आर आल्सो रियल नंबर। वही रीजन है कि रैशनल नंबर भी क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, ट्रू और फॉल्स से रिलेटेड। सेकंड क्वेश्चन है, आर द स्क्वेयर रूट्स ऑफ आल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। ऑल द स्क्वेयर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर इरेशनल। इफ नॉट, यदि ऐसा नहीं है, गिव एन एग्जाम्पल, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वेयर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रैशनल नंबर। सोल्व। इसने क्या कहा, आर द स्क्वेयर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर इरेशनल। क्या प्रत्येक पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वेयर रूट हम कर दें तो क्या हो वह इरेशनल नंबर होता है? रीजन होगा नो, नहीं। यदि नहीं तो हमें ऐसा एक एग्जाम्पल देना है जिसका स्क्वायर रूट करें तो क्या है, एक रैशनल नंबर। तो हमारे पास 4 का स्क्वायर रूट 2, अनदर एग्जाम्पल 9 का स्क्वायर रूट इक्वल टू 3, 25 का स्क्वायर इक्वल टू 5, 16 का स्क्वायर रूट इक्वल टू 4। ये हमारे पास एग्जाम्पल है, उसने हमें कोई एक एग्जाम्पल देने के लिए कहा था, कोई भी एक एग्जाम्पल आप इसमें दे सकते हो। थर्ड क्वेश्चन, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंट्स
ऑन द नंबर लाइन रूट स्क्वायर रूट ऑफ 5 को रियल नंबर पर दर्शाइए, टू रिप्रेजेंट रूट 5 ऑन द नंबर लाइन वी टेक ए लेंथ ऑफ 2 यूनिट्स फ्रॉम 0 ऑन द नंबर, जैसे कि हमने ये कोई एक लाइन है, ये हमारी जीरोज है, यहां से यहां तक हमने 2 यूनिट की कोई एक लाइन ली, यहां पर ये वैल्यू 2 है, यहां पर वैल्यू 1 है, ये ली 0 ऑन द नंबर लाइन इन पॉजिटिव डायरेक्शन। इधर देखिए इस साइड, इस साइड हमारी क्या होती है पॉजिटिव डायरेक्शन, इधर क्या होती है हमारी रियल लाइन की नेगेटिव डायरेक्शन। एंड वन यूनिट परपेंडिकुलर टू इट, यहां पर हमने एक परपेंडिकुलर लाइन खींची वन यूनिट की, इट हाइपोटेन्यूज ऑफ द, इसको इससे मिलाओ, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है ट्रायंगल, दस फॉर्म इज ऑफ लेंथ 5 स्क्वायर रूट, देन विद द हेल्प, तब इसकी सहायता से विद द हेल्प, देन विद द हेल्प ऑफ डिवाइडर ए लेंथ इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5 यूनिट कैन बी कट ऑन द नंबर लाइन। हमने यहां से इतना डिवाइडर खोला, प्रकार खोला और ऐसे 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 चाप लगा दी, तो जहां पर ये लाइन काटती है यहां पर हमारा क्या है स्क्वेयर रूट ऑफ 5, ये हमारी कंस्ट्रक्शन हुई स्क्वेयर रूट ऑफ 5 को एक रियल नंबर के ऊपर दर्शाने के लिए। यदि इनमें से कोई भी क्वेश्चन किसी भी स्टूडेंट के समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।